सी नाउ अब हम कंटिन्यू करेंगे डोर्काइम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड के साथ। सी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट, आई गेव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सुसाइड, वट एवर द प्रोमिनेंट कॉजेज और रीजन्स एज टू वाई डोर्काइम इज फोकसिंग ऑन राइटिंग अबाउट सुसाइड। वाई डिड ही कम अप विद द थ्योरी ऑफ सुसाइड, राइट? वी सो अराउंड थ्री ब्रॉड रीजन्स। सो इन टूडेज लेक्चर आई विल बी डीलिंग विद द सेकेंड सेक्शन, राइट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर थियोरीज ऑफ सुसाइड दैट ही रिफ्यूटेड और कंप्लीटली रिजेक्टेड। वन ऑफ द थियोरीज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज द साइकोलॉजिकल थियोरी ऑफ सुसाइड दैट ही रिफ्यूटेड, राइट? एंड ही सेड सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी ऑल्सो बी टेकिंग अ लुक इन टू गैब्रियल टार्ट्स थ्योरी और इमिटेशन थ्योरी ऑफ सुसाइड, एज वेल एज ही विल बी टेकिंग अ वेरी ब्रीफ लुक अबाउट द अदर थियोरीज ऑफ सुसाइड दैट इज रिजेक्टेड, द रेस, हेरिडिटी, क्लाइमेटिक थियोरी ऑफ सुसाइड, राइट? इसके साथ साथ विल बी ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट टू मेन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सुसाइड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डुर्खाइम ने क्लासीफाई किया था सुसाइड को फोर टाइप्स में, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, फैटलिस्टिक सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड एंड एनोमिक सुसाइड। सो इन टुडेज लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ सुसाइड, राइट? वन विल बी टॉकिंग अबाउट फैटलिस्टिक सुसाइड एंड सेकेंड विल ऑल्सो बी डीलिंग विद ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ठीक? राइट, बिफोर कमिंग टू दैट थोड़ा सा सुसाइड रेट के बारे में पढ़ते, राइट? व्हाट इज सुसाइड रेट? और ये जो टॉपिक है सुसाइड रेट वाला, ये एक एक्सटेंशन है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ डोर्काइम्स आर्ग्यूमेंट और डोर्काइम्स कंटेंशन दैट सुसाइड इज इंडीड अ सोशल फैक्ट, राइट? एंड इट इज द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी आर पुश्ड टुवर्ड्स कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द सर्टेन वे इन विच द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज डिवाइज, राइट? उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा वहीं से एमिनेट करेंगे। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में सुसिडोजेनिक करंट्स, सुसिडोजेनिक फोर्सेस और सुसिडोजेनिक इम्पल्सिस वहां से इमर्ज करेंगे और उससे सोशल स्ट्रक्चर से एमिनेट करेंगे। सो दिस सोशल स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सुसिडोजेनिक करंट्स हैं लाई करते हैं, ये कंस्ट्रेंट करेगा एक इंडिविजुअल को और पुश करेगा टूवर्ड्स सुसाइड ना। उसी का ये एक्सटेंशन है, सुसाइड रेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट, राइट? और इसी के साथ कंप्लीट होगा वही आर्ग्यूमेंट। सी व्हाट इज सुसाइड रेट? सिंपल आपको ये पता चलता है, रेट इज नथिंग बट अ रेशियो और अ प्रोपोर्शन और आप कह सकते हो इट इज अ परसेंटेज, राइट? किस चीज का प्रोपोर्शन है ये? सी सुसाइड रेट मीन्स सुसाइड रेट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कलेक्टिविटी। नाउ दिस कलेक्टिविटी और ग्रुप कैन बी डिफाइंड ऑन वेरियस बेसिस, राइट? तो उस सोसाइटी में, उस कलेक्टिविटी और उस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स, राइट? कितने जो इंडिविजुअल्स हैं उस सोसाइटी के, उस कलेक्टिविटी और उस ग्रुप के दैट आर कमिटिंग सुसाइड, राइट? सो इट इज टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स ऑफ अ गिवन ग्रुप, राइट? ऑफ अ गिवन सोसाइटी, राइट? सो हाउ इज इट अ प्रपोर्शन और परसेंटेज, राइट? इट मीन्स प्रपोर्शन और परसेंटेज, इट मीन्स द नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर कमिटिंग सुसाइड, राइट? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सुसाइड हु आर कमिटिंग सुसाइड, और इसको डिवाइड कर दोगे आप जब टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन, लेट से टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस सोसाइटी और दिस कलेक्टिविटी और दिस ग्रुप, राइट? सो इट इज अ प्रोपोर्शन।
इट इज अ प्रोपोर्शन और रेशियो और इट इज अ रेट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर कमिटिंग सुसाइड, राइट। और ये इन अ गिवन पीरियड, इन अ गिवन पीरियड, राइट। नाउ दिस पीरियड कुड बी एनीथिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द सोशियोलॉजिकल रिसर्चर कि क्या लेना चाहता है। लेट अस टेक कि हम एनुअली इस भी इसको देख सकते हैं या डेकेड बेस भी देख सकते हैं, राइट, या ओवर अ जनरेशन भी देख सकते हैं। सो इट कुड बी डिफरेंट थिंग्स। सो सुसाइड रेट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट, द टोटल प्रोपोर्शन ऑफ सुसाइड्स दैट आर देयर इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और ग्रुप, राइट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर कमिटिंग सुसाइड। और इसमें ये बड़ा ही एक, जब ये सुसाइड रेट्स को स्टडी करते हैं, राइट, व्हेन ही स्टडी सुसाइड रेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ही कम अप विद टू वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, टू वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। या फिर आप इन्फ्रेंसेस बोल सकते हो। हमने देखा था कि डुर्खाइम ने अराउंड 26,000 केसेस ऑफ सुसाइड को स्टडी किया, राइट, उसमें बहुत सारे डेटा था, उसको एनालाइज किया और उन डिफरेंट सोसाइटीज और डिफरेंट ग्रुप्स को जब उन्होंने एनालाइज किया, डिफरेंट कलेक्टिविटीज को एनालाइज किया और उनका सुसाइड रेट देखा, तो ही केम अप विद टू वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस और यू कुड से इन्फ्रेंसेस, राइट। नाउ फर्स्टली हेयर इसका फर्स्ट इन्फ्रेंस क्या था, फर्स्टली ये क्या कर रहे हैं डुर्खाइम, इसमें क्या है, एक ही सोसाइटी को, राइट, ही इज स्टडिंग वन पर्टिकुलर सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, राइट। तो ही इज मेजरिंग द सुसाइड रेट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी राइट अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो वो देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि लेट से एक ही सोसाइटी को कंपेयर कर रहे हैं, राइट, एक सोसाइटी को डिफरेंट, उसके डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे देख रहे हैं और उसका सुसाइड रेट देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक पर्टिकुलर टाइम पे सुसाइड रेट रहा होगा 1, राइट, SR1 इसको मान लेते हैं, और फिर इसको एनालाइज करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में या डिफरेंट टाइम पे, तो वो देखते हैं लेट से उसका सुसाइड रेट 2 हो गया और हो गया सुसाइड रेट 3, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ सुसाइड रेट। बट वो देखते हैं कि जो सुसाइड रेट ये SR1 और SR2 और SR3 है, ये ऑलमोस्ट क्या है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, राइट, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट, काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ से वो बोलते हैं, यहाँ पे क्या, ही इज डूइंग टेम्पोरल एनालिसिस, ही इज डूइंग टेम्पोरल एनालिसिस, राइट, एक ही सोसाइटी को डिफरेंट टाइम पीरियड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अक्रॉस ही इज कंपेयरिंग द सोसाइटी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो दिस इज क्या है, दिस इज अ कंपेरेटिव एनालिसिस, और ये क्या यूज कर रहे हैं, कंपेरेटिव मेथड को, कंपेरेटिव मेथड का यूज कर रहे हैं और एक ही सोसाइटी को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में देख रहे हैं। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इनको मिला कि सुसाइड रेट चेंज नहीं कर रहा है, राइट, दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल और ऑलमोस्ट सेम। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल, राइट, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम है टाइम पीरियड के अक्रॉस। तो इसी ये बोलते हैं कि यहां से एक कंक्लूजन यहां पे बताते हैं कि यहां पे देखिए सोशल स्ट्रक्चर सेम है सोसाइटीज का, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। लेट्स से ही इज टॉकिंग अबाउट ओवर 10 ईयर्स डेटा, या फिर मान लो 30 ईयर्स का डेटा लिया और उसमें एक ही सोसाइटी को मान लो कि जीरो, एक जहाँ पे अभी देखा, मान लो करंटली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखा, इसके 15 साल यहाँ पे देखा 15 साल बाद और यहाँ पे 30 साल बाद देखा, तो सुसाइड रेट ऑलमोस्ट सेम है, सुसाइड रेट इज नॉट वेरिंग, राइट, यहाँ पे सुसाइड रेट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी,
यहाँ पे सुसाइड रेट ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी इज प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, देयर कुड बी लिटल बिट ऑफ डिफरेंस इज राइट फॉर थियोरिटिकली वुड, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए वी कुड से सुसाइड रेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, राइट, कॉन्स्टेंट अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो यहां से ये क्या बोल रहे हैं, सी ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है, इसी को कंक्लूजन हम लेंगे, सी इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी, राइट, द वे इन विच सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, द वे इन विच सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड, राइट, द वे इन विच सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड और द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड और द वे इट इज पैटर्न्ड, राइट, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इट इज वेरी स्लो टू चेंज, राइट, इज स्लो टू चेंज, और सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर टाइम के अक्रॉस क्या है, धीरे धीरे चेंज करता है, सोशल स्ट्रक्चर इमीडिएटली चेंज नहीं करता और ऑलमोस्ट सेम रहता है, राइट, तो यहां पे भी सोशल स्ट्रक्चर सेम है और यहां पे भी सोशल स्ट्रक्चर सेम है और यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए यहां पे क्या ये बोल रहे हैं कि सुसाइड रेट भी यहां पे सेम है, राइट, तो इसका क्या मतलब है कि सोशल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहा है आपका सुसाइड रेट को, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी। सी किसी भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर या उसका कल्चर, राइट, उसकी वैल्यूज और उसके नॉर्म्स चेंज करना डिफरेंट टाइम पीरियड में, राइट, अक्रॉस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इट इज वेरी डिफिकल्ट, और सोसाइटी में जो चेंज होता है वो काफी स्लोली चेंज होता है, राइट, सोसाइटी में एब्रप्ट और एकदम से लार्ज स्केल चेंज नहीं आते, सोसाइटी चेंज करती है स्लोली, और इसी को ही अगर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ये जो स्टेटमेंट है ये आपका बोला था विलियम ऑबगर्न, आप पढ़ेंगे, राइट, विलियम ऑबगर्न, इन्होंने कल्चरल लैग थ्योरी दी थी, कल्चरल लैग थ्योरी दी थी। सी मैं ये आपका एक इंटरलिंकेज बना रहा हूँ चैप्टर 10 के टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बोलते हैं कि सोशल सोसाइटी का जो कल्चरल चेंज है, राइट, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होता, राइट, रादर सोसाइटी के कल्चर वैल्यूज नॉर्म्स और हाउ द सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न्ड, उसको चेंज होने में टाइम लगता है, राइट, सोसाइटी ये किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं, सी ये बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी बेशक चेंज हो जाए, राइट, टेक्नोलॉजी आ जाए, मॉडर्नाइजेशन आ जाए सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी के कल्चर वैल्यूज और नॉर्म्स इतनी तेजी के साथ चेंज नहीं करते जितनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी चेंज करती है, राइट, साइंस चेंज करती है, तो टेक्नोलॉजी और कल्चर के बीच में क्या है, एक लैग आ जाता है, राइट, टेक्नोलॉजी के इमीडिएटली क्या के साथ सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर उसका चेंज नहीं होता, राइट, देयर इज अ लैग, ठीक है, ये लैग करता है। और सेम स्टेटमेंट वॉज मेड बाय, इवन आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, सेम स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो मेड बाय कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स भी तो यही बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इवन यहां पे आप बाद में पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, आपका क्लास हो सकता है, राइट, मेनली क्लास बेस्ड होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है, ये क्या है, ये बाद में चेंज होते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले जो चेंज आता है वो आता है आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, राइट, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब मींस ऑफ प्रोडक्शन, क्या फोर्सेस का यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या मींस का यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी, राइट, सबसे पहले टेक्नोलॉजी चेंज होती है, राइट, और फिर इसी की वजह से कंफ्लिक्ट आता है और यहां से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं और फिर सुपर स्ट्रक्चर चेंज होता है, राइट, तो यहां पे भी क्या है, इमीडिएटली टेक्नोलॉजी के साथ आपका कल्चर और सुपर स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, और यहां पे भी ये बात यही बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बेशक चेंज हो जाएगी जल्दी, लेकिन कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर इज स्लो टू चेंज, राइट,
ब्रिटिशर्स लेके आए इंडिया में रेलवेज, राइट, न्यू सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लेके आए ब्रिटिशर्स, लेकिन स्टिल हमारा मॉडर्नाइजेशन उसके बाद इतनी तेजी से नहीं हुआ, राइट. जो कल्चर है वो हमने अपना इतनी तेजी से नहीं चेंज किया. इसलिए जो मॉडर्नाइजेशन है इंडियन सोसाइटी का और इंडियन ट्रेडिशन का, राइट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अदर सोसाइटीज. ठीक है, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि सोशल स्ट्रक्चर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 50 इयर्स, बहुत स्लोली चेंज करता है. और ये क्या है, इट इज ए गिवन, राइट, इट इज ए गिवन. और जब इन्होंने देखा कि सुसाइड रेट भी चेंज नहीं कर रहा है, और उन्होंने पहले क्या ऑब्जर्वेशन दी थी कि सोशल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है आपका सुसाइड रेट को, इसलिए सुसाइड रेट भी प्रैक्टिकली कांस्टेंट है. तो यहाँ से क्या उनकी जो स्टेटमेंट है वो सही ठहर रही है, जब वो बोलते हैं कि सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, राइट, दिस सुसाइड रेट इट इज अ सोशल फैक्ट, इट इज डिटरमाइंड बाय सोशल स्ट्रक्चर, राइट, सोशल स्ट्रक्चर. ये इनकी स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या है, ये एक इन्फ्रेंस यहाँ से डिराइव करते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं इनके स्टेटमेंट को. सेकंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकालते हैं, सी दिस इज फर्स्ट, सेकंड, जो यहाँ पे जो इन्होंने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, सी सेकंड वो बोलते हैं कि व्हेन ही इज, जब ये कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं, ठीक है, और एक गिवन टाइम पीरियड में, राइट, अब हम टाइम को चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट, एक गिवन टाइम पीरियड में ये क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज का, राइट. अब वो क्या है, सोसाइटीज को चेंज कर रहे हैं, लेट्स से S1 सोसाइटी, S2 सोसाइटी और S3 सोसाइटी एट ए गिवन टाइम टी. ठीक है, तो यहां पे ये देखते हैं कि ये जो सोसाइटीज हैं, ठीक है, इसका सुसाइड रेट अलग अलग है, सबका सुसाइड रेट अलग अलग है. इसका SR1 और SR2 और SR3, दिस इज डिफरेंट, राइट. ठीक है, सो व्हेन डुर्खाइम इज अप्लाइंग दिस कंपैरेटिव मेथड, राइट, व्हेन ही इज डूइंग दिस कंपैरेटिव एनालिसिस, ही इज डूइंग दिस कंपैरेटिव एनालिसिस एंड दिस कंपैरेटिव एनालिसिस इज स्पेशियल इन नेचर, राइट, इट इज स्पेशियल एनालिसिस. आप क्या है, स्पेस के अक्रॉस, आप टाइम के अक्रॉस नहीं देख रहे, आप स्पेस के अक्रॉस क्या है, डिफरेंट सोसाइटीज को कंपेयर कर रहे हो. और यहां से ये बोलते हैं कि जो डिफरेंट सोसाइटीज, यहां से इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, राइट, इट इज नॉट अ कंक्लूजन, रादर इट इज ऑब्जर्वेशन, दैट डिफरेंट सोसाइटीज इन्होंने ऑब्जर्व किया और डिफरेंट कलेक्टिविटीज और डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, दे हैव डिफरेंट सुसाइड रेट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये क्या, इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है, राइट. तो इससे ये बोलते हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज हेयर हैड डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स, राइट, एवरीवन इज हैविंग द वे इन विच पर्टिकुलर सोसाइटी और ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वे इन विच अनदर ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न. तो डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर है और इसी की वजह से डिफरेंट सुसाइड रेट आ रहे हैं, राइट. तो ये पूरा का पूरा उनका जो सोशल स्ट्रक्चर, जब वो बोलते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है राइट, इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है इन अ सोशल स्ट्रक्चर, और ये जो सोशल स्ट्रक्चर ये प्रोड्यूस करता है वेरियस काइंड्स ऑफ करंट्स, दीज आर कॉल्ड एज सुसिडोजेनिक करंट्स, सुसिडोजेनिक फोर्सेज, सुसिडोजेनिक इम्पल्सिस, और दीज फोर्सेज दे आर एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल, राइट. कुछ सोशल स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा डिमांड करते हैं इंडिविजुअल में, वहां पे ये जो इनका जो फोर्स है सुसिडोजेनिक फोर्सेज कुछ में ज्यादा होता है, उनके नेचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, कुछ में कम होता है, और जहां पे कम होगा वहां पे सुसाइड रेट कम होगा, जहां पे ज्यादा होगा वहां पे सुसाइड रेट ज्यादा होगा. और यहां पे जहां पे हमने सोशल स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट रखा, सुसाइड रेट ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है. तो ये इनके ये जो ऑब्जर्वेशंस इन्होंने किए, राइट, जो इन्होंने इन्फ्रेंसिस ड्रॉन किए डेटा से, वो इनके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई ही सेड कि सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट. ठीक है, और यहां से ये बोलते हैं कि यहां से पता चलता है कि हर एक सोसाइटी का सुसाइड रेट ऑलमोस्ट क्या है, फिक्स्ड है, राइट. अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू कमिट सुसाइड इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी नो मैटर व्हाट, राइट.
दे आर कमिटिंग बिकॉज सुसाइड रेट इज ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स. सो इट इज ऐसा अपीयर होता है कि एज इट समवन हैज फिक्स्ड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग टू कमिट सुसाइड इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. तो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हर एक सोसाइटी का सुसाइड में कुछ रिप्रेजेंटेशन है, राइट, कि कितना एक कोटा हो गया हर एक सोसाइटी का, कि एवरी सोसाइटी इज हैविंग सम कोटा रिप्रेजेंटेशन और द सुसाइड रेट इज फिक्स्ड, राइट, इट एवरी सोसाइटी इज हैविंग अ रिप्रेजेंटेशन, राइट. सो ये काफ़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की और यहाँ से क्या है हमारा ये जो कंक्लूजन ड्राइव हो जाता है कि सुसाइड इज इंडीड अ सोशल फैक्ट. ठीक, नाउ इसी को फर्दर लेटेस्ट से साइकोलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं. सी, डोर्खाइम इज नॉट कंप्लीटली रिफ्यूटिंग, ही इज नॉट सेइंग दैट सुसाइड का साइकोलॉजी इंडिविजुअल साइकोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है. वो क्या बोल रहे हैं, सी ही इज सेइंग कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, राइट, हम फर्दर इस आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड बोल रहे हैं कर रहे हैं. सी डोर्खाइम क्या बोल रहे हैं, डोर्खाइम बोल रहे हैं कि जो सुसाइड रेट है, राइट, और सुसाइड जो है, हमने ये देख लिया कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर फिक्स, दे आर गोइंग टू कमिट सुसाइड, राइट, डिपेंडिंग ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, राइट. सो सुसाइड क्या है, सुसाइड इज काइंड ऑफ ड्रिवन बाय सोशल स्ट्रक्चर, राइट, इट इज डिटरमाइंड बाय सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज डिटरमाइंड बाय सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. इट इज एज इफ इट पर्टिकुलर सोसाइटी हैज, ईच सोसाइटी हैज अ कोटा और द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर गोइंग टू कमिट सुसाइड एंड दैट कोटा आइदर इट इज मोर और लेस डिपेंड्स ऑन द वे इन विच दैट सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न, राइट, दैट वी आर स्टडीड, उसके सोशल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है. नाउ ही से वट इज सेइंग कि वाई अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट, वाई अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर कमिटिंग सुसाइड. Are committing suicide and not others, right? कुछ ही क्यों करते हैं, बाकी क्यों नहीं करते suicide, right? See, this is your group or collectivity or society, right? Let's say कुछ proportion रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, let's say 10 members है इसमें और इसका suicide rate मान लेते हैं हम 2 हैं, राइट, टू फॉर एग्जाम्पल 2 मेंबर्स आर कमिटिंग सुसाइड आउट ऑफ 10, राइट, सो इस सुसाइड रेट इज ऑलमोस्ट 20%, दैट इज 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू कमिट सुसाइड इन दिस सोसाइटी. ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये दो ही क्यों कर रहे हैं या ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही सुसाइड क्यों कमिट कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट. सो ये बोलते हैं दिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, राइट. सोशियोलॉजी हमने देखा था कि सोशल फैक्ट्स आर नॉट, हम पढ़ेंगे भी, आर इरिड्यूसिबल टू द लेवल ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल क्या कर रहा पर्टिकुलर, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द सोशियोलॉजी. हम कलेक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं, राइट, सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी में सुसाइड रेट क्यों है ज़्यादा, पर्टिकुलर सोसाइटी में सुसाइड रेट कम क्यों है, एक में ज़्यादा एक में कम क्यों है और अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स वेरी क्यों नहीं कर रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, दैट शुड बी द फोकस ऑफ सोशियोलॉजी. इसमें एक इंडिविजुअल कर रहा है दूसरा क्यों नहीं कर रहा, दैट इज नॉट द डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज फॉर साइकोलॉजी टू स्टडी, राइट, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि सुसाइड इज अल्टीमेटली दो फैक्टर्स है, एक तो हो गया सोशल डिटर्मिनिज्म, राइट, डिटरमाइंड किया है, फिक्स किया है यहां पे कोटा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू कमिट सुसाइड ड्यू टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट इज देयर इन द सोसाइटी, राइट. सो इट इज सोशल डिटर्मिनिज्म.
डिटरमाइंड सोशली, ये तो हम पहुंच के पहले इस पे की दो कर रहे हैं राइट, और ये ज्यादातर चेंज नहीं करते हैं राइट। बड़ी सोसाइटीज को ले लो, लाखों इंडिविजुअल्स को ले लो, तो यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ठीक है, लेकिन हम सोशल लेवल में बात कर रहे हैं ठीक है। अब सुसाइड में ये दो इंडिविजुअल, इन पे क्या है, सब पे फोर्स एक्ट कर रहा है, सब पे सुसाइडोजेनिक फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन इन्हीं को, व्हाई दीज टू इंडिविजुअल्स आर कमिटिंग सुसाइड, बिकॉज ये स्ट्रेन, और ये जो स्ट्रेन है सोशल स्ट्रक्चर का, ये जो कंस्ट्रेंट है, ये जो कोअर्जन है सोशल स्ट्रक्चर का और सुसाइडोजेनिक फोर्सेस का, ये तो सभी पे एक्ट कर रहा है, लेकिन ये दो ही या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही क्यों कर रहा है राइट। वो दैट अल्टीमेट एक्ट राइट, द अल्टीमेट एक्ट दैट इज व्हाई अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज कमिटिंग सुसाइड, वो क्या है, दैट इज द कंसर्न ऑफ साइकोलॉजी राइट। तो सुसाइड सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पुश करते हैं राइट, और इनमें से ये दो ही या पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही क्यों कर रहा है, दैट इज द डोमेन ऑफ साइकोलॉजी राइट। तो वहां पे उसका साइकिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है इंडिविजुअल का, उसका मेंटल मेकअप क्या है, मेंटल यूनिवर्स क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है राइट, दैट इज द डोमेन ऑफ साइकोलॉजी राइट। सो दैट इज आवर सोशियोलॉजी विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग साइकोलॉजी हेयर, और दोनों होंगे तभी आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी एज की सुसाइड के बारे में ठीक। तो वो क्या बोलते हैं कि यहां पे कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी सुसाइड रेट ऑफ अ गिवन ग्रुप, दैट इज द कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी राइट। व्हाई इट इज हायर, व्हाई सुसाइड रेट, व्हाई इट इज हायर इन सर्टेन सोसाइटीज ग्रुप्स और कलेक्टिविटीज राइट, और वाई इज इट लोअर इन अदर्स राइट। तो जब हम सोशल लेवल पे बात करेंगे, वाई इज इट इज लो, वाई इट इज लोअर इन अदर्स, दैट इज द डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी राइट। तो यहां से वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से वो क्या कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू कार आउट अ फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी राइट, एक नया डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेलिनिएट कर रहे हैं और सोशियोलॉजी की बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, डेलिनिएशन एंड सेटिंग अप ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सोशियोलॉजी। आपके पेपर वन में टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी राइट, दैट इज नथिंग बट इट्स बाउंड्रीज, क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसका स्कोप कितना है, और स्कोप यहां पे वो बोलते हैं कि सब सोशल फैक्ट्स सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहिए, दैट इज द स्कोप। नेचर क्या रहेगा, सोशियोलॉजी शुड बी साइंटिफिक इन नेचर राइट, ये आप उन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में बोला, विल बी टेकिंग अ लुक इन टू दैट एज वेल राइट। सो ही इज ट्राइंग टू डेलिनिएट, प्लस ही इज ट्राइंग टू शो द यूटिलिटी ऑफ द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी राइट। He is saying that it is worthwhile to pursue sociology, right? Because it has some practical implications or practical benefits for men. ठीक है? Now, see, ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया और कल्मिनेशन देख लिया, सुसाइड एक सोशल फैक्ट क्यों है और एनालिसिस क्या था और उसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस रहेगा, वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दैट राइट। नाउ सी, यहां पे जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो बात करते हैं कि सी, अभी तक स्कॉलर्स क्या कर रहे थे, स्कॉलर्स फॉर एग्जाम्पल कंसर्न थे कि सोसाइटी में सुसाइड रेट बढ़ रहा है राइट। सुसाइड रेट का कंसेप्ट उससे पहले एज सच तो मेन डुर्खाइम ने ही इसको डिवाइस किया, बट इज सुसाइड रेट, बट नंबर ऑफ सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग राइट। अगर सुसाइड्स इंक्रीज कर रही हैं तो अप्रोच क्या होती थी स्कॉलर्स की, वो बोलते थे कि इट इज अबाउट काउंसलिंग द इंडिविजुअल, इट इज काउंसलिंग द इंडिविजुअल, और ये वो मानते थे अगर हम इंडिविजुअल को काउंसिल करेंगे तो हम सुसाइड की अकरेंस कम कर सकते हैं। लेकिन डुर्खाइम ने क्या बोला,
सी काउंसलिंग ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट बैड, बट वो बोलते हैं ऐसे आप सुसाइड रेट चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज सुसाइड नंबर ऑफ सुसाइड्स सोसाइटी में घट रही है बढ़ रही है वो चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन सोशल स्ट्रक्चर। वो सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज है, वो कितनी डिमांड कर रही है, कितना कोअर्जन और कितना स्ट्रेन डाल रही है इंडिविजुअल्स पे उसका सोशल स्ट्रक्चर, वो डिटरमाइन करता है कि उसमें सुसाइड रेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहां पे जो आपका जो सॉल्यूशन है वही गलत है, रादर वी शुड बी मैनेजिंग द स्ट्रक्चर, मैनेजिंग द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी शुड बी मोर हेल्थी, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ मच बेटर वे। हम देखेंगे कि सोसाइटी में जब फोर्सेस सुसाइडोजेनिक फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन और रेगुलेशन वो अपने एक्सट्रीम्स पे होते हैं तब क्या है सुसाइड रेट इंक्रीज करता है, लेकिन वो जब वहां पे उनका एक प्रोपोर्शन क्या होगा मिडल होगा बैलेंस्ड प्रोपोर्शन होगा तो सुसाइड रेट कम हो जाता है, राइट। सो ही सेइंग कि अप्रोच ही तुम्हारी गलत है और यू आर लुकिंग एट सुसाइड विद अ कंप्लीटली रॉन्ग पर्सपेक्टिव एंड देयरफॉर योर सॉल्यूशंस आर कंप्लीटली रॉन्ग। यू शुड बी टैकलिंग दिस सोशल स्ट्रक्चर, राइट। सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है दैट शुड बी द कंसर्न, और उसी के बाद ही आपका सुसाइड रेट कम होगा और सुसाइड्स इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। सो दैट इज द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी, और यही से बोलते हैं यूटिलिटी, और इट इज वर्थ वाइल टू परस्यू सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। और यहां से वो ही इज कार्विंग आउट अ फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, वो सेपरेट कर रहे हैं और ही इज ट्राइंग टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ अदर डिसिप्लिन ऑन सोशियोलॉजी, राइट। जब अदर डिसिप्लिन अगर बोलेंगे वी आर स्टडिंग सुसाइड देन वाई इज दैट वी नीड अ कंप्लीटली न्यू डिसिप्लिन टू स्टडी सुसाइड, राइट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्टडिंग सुसाइड, देन वट इज द प्रैक्टिकल बेनिफिट और यूटिलिटी ऑफ टेकिंग अ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच और कंप्लीटली न्यू डिसिप्लिन एंड डिवोटिंग रिसोर्सेज टू इट, राइट। तो वो इसको क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक। सी अब हम एक तो कोट देख लेते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। नाउ सी द फर्स्ट कोट इज हमने अभी पढ़ा, सुसाइडोजेनिक करंट्स पुशेस एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स सुसाइड, राइट, बट द अल्टीमेट स्टेप और एक्ट डिपेंड्स ऑन द साइकिक मेकअप और साइकिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट, ये हमने पढ़ा। सो सुसाइड इज अ काइंड ऑफ द वेरी एक्ट ऑफ सुसाइड इज ड्रिवन बाय बहुत सोशोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, सोशल डिटर्मिनिज्म, बिकॉज दीज सोशल करंट्स और दीज सोशल द टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट इज देयर इन सोसाइटी, राइट, प्लस द टाइप ऑफ सुसाइडोजेनिक फोर्सेज दैट आर देयर, दे आर डिटरमाइनिंग, राइट, देर इज अ कोटा, अ फिक्स्ड कोटा ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, हमने पढ़ा। सो इट इज एब्सोल्यूटली डिटरमाइंड बाय द सुसाइड रेट इज एब्सोल्यूटली डिटरमाइंड बाय सोसाइटी, प्लस वाई सर्टेन इंडिविजुअल्स आर कमिटिंग सुसाइड एंड वाई नॉट अदर्स आर कमिटिंग सुसाइड। सो दैट लेवल ऑफ एनालिसिस पर्टेन्स टू एन इंडिविजुअल, राइट, इट पर्टेन्स टू द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड इट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सोशल, राइट। सो दैट इज द डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी, वाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज कमिटिंग सुसाइड एंड नॉट अदर्स, राइट। सो दैट इज ड्रिवन बाई साइकिक प्रीडिस्पोजिशन। सो सोशल डिटर्मिनिज्म दैट इज द डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी, साइकिक प्रीडिस्पोजिशन दैट इज द डोमेन ऑफ साइकोलॉजी, राइट। सेकेंड, वट इज द डेफिनेशन ऑफ सुसाइड। सी डेफिनेशन देना क्यों जरूरी है, हम इम्प्लिसिटली उसके साथ डील नहीं कर सकते, एक कॉमन सेंसिकल नोशन जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, राइट, एज ए मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। डुर्खाइम ने अराउंड 26,000 केसेस पढ़े, राइट, वेरियस डेटा और फैक्ट्स देखे और डिफरेंट डायमेंशंस देखे उन केसेस की, और उसमें से उन्होंने कुछ देखा कि सम केसेस आर नॉट अ वैलिड केस ऑफ सुसाइड, सो वी नीड टू सेट सर्टेन पैरामीटर्स, वी नीड टू डिफाइन सुसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर, राइट। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं सुसाइड को, सी ही सेज एवरी केस ऑफ डेथ, राइट, एवरी केस ऑफ डेथ दैट रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट, फ्रॉम अ पॉजिटिव
और नेगेटिव एक्ट परफॉर्म्ड बाय द विक्टिम हिमसेल्फ एंड हु स्ट्राइव्स टू प्रोड्यूस दिस रिजल्ट, राइट। नाउ तीन चार चीजें मेन है। सी, कोई भी ऐसा केस ऑफ डेथ विच इज रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, राइट, और द विक्टिम हिमसेल्फ। तो पॉजिटिव एक्ट ऑफ डेथ क्या हुआ? सी, इट इज नॉट पॉजिटिव इन द मॉरल सेंस ऑफ द टर्म और नेगेटिव इन द मॉरल सेंस ऑफ द टर्म। पॉजिटिव इज पॉजिटिव एक्ट, मतलब यहां पे इट इंप्लाइज एक्शन, राइट। आप लीगल लैंग्वेज देखते हो तो ओमिशन और कमीशन आपने पढ़ा होगा, राइट। कमीशन, यू आर डूइंग कमिटिंग समथिंग। फॉर इंस्टेंस, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो देर आर लॉट ऑफ करप्शन और स्कैंडल्स दैट वर देयर। द पीपल हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ करप्शन, राइट, दैट इज अ पॉजिटिव एक्ट, राइट, बिकॉज इट इंप्लाइज एक्शन, यू आर डायरेक्टली कमिटिंग करप्शन, राइट। नाउ द अपोजिशन पार्टीज, दे क्रिटिसाइज डॉक्टर मनमोहन सिंह दैट हीज एक्ट, दैट ही इज नॉट एक्टिंग और हीज इन एक्शन, दैट ही इज टॉलरेशन ऑफ द करप्शन डन बाय हीज मिनिस्टर्स, that also amounts to corruption as well, right? That is indirectly amounting to corruption, right? His omission, right, or his inaction to deal with this corruption, right? Sab kuch dekhte rehna, us pe kuch karyavahi aur action nahi karna, right? Inaction, that is cultivating a certain type of environment in which the corruption is taking place, right? So he was accused by the opposition party, especially the BJP, right, due to his inaction, that is omission. But this is commission, right? For example, if one is shooting himself or herself in the head, right, and this shooting is directly, this is the positive act which is directly leading to death, right, hanging oneself or cutting one's wrist, right, so these are all positive, not in the moral sense of the term, but commission, right, humne abhi just padha, directly, direct involvement hota hai aur directly it is leading to death. Now certain cases of death, they are arising from negative act also, right, indirectly. Now how? See, negative act implies inaction, हमने पढ़ा, it implies omission, right? आप direct actions नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से आपका suicide हो रहा है, लेकिन आप कोई action नहीं ले रहे हो और ये inaction is ultimately leading to your death in a prolonged manner, right? It is a kind of a suicide. For example, fast unto death. अब फास्ट अन टू दैट संथारा में ये होता है, और ये केस भी आया था, गया था राजस्थान हाई कोर्ट में, कि आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, लेकिन ये वायलेट करता राइट टू लाइफ को, राइट, और सुसाइड इज अ क्रिमिनल एक्ट अंडर आईपीसी। नाउ दिस वेंट टू द हाई कोर्ट, और इसमें क्या होता है कि जब जैनियों में ये बिलीफ है, राइट, संथारा की, कि दे हैव अचीव्ड द पर्पज ऑफ लाइफ, और वो क्या है, अब क्या है, अपनी बॉडी को स्टार्व करके, राइट, बिकॉज जैनिज्म इज ऑल अबाउट असेटिसिज्म, राइट, रिनंसिएशन, तो अपनी बॉडी को कंप्लीटली स्टार्व करके दे आर ट्राइंग टू प्यूरिफाई देयर सोल, राइट, और अल्टीमेटली दे आर मर्जिंग विद द ग्रेटर गॉड। सो हेयर यू आर विड्रॉइंग द फूड, राइट, यू आर विड्रॉइंग फूड, यू आर नॉट ईटिंग फूड, राइट, आप ये सोच सकते हो कि आप फूड, आपने खाना छोड़ दिया है, दैट इज फास्ट अन टू दैट, तो दैट इज इन एक्शन, राइट। सो बाय नॉट ईटिंग फूड, बाय डूइंग दिस इन एक्शन, इन अ प्रोलॉन्ग्ड और अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, यू विल बी स्टार्विंग योर सेल्फ टू डेथ। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ सुसाइड, राइट। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव एक्ट इन एक्शन विच इज इनडायरेक्टली लीडिंग टू द डेथ, एंड अल्टीमेटली द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज सुसाइड, इज अचीव्ड। केस ऑफ आयरम शर्मिला, राइट, आयरम शर्मिला जो थी, शी वॉज एन एक्टिविस्ट मणिपुर में, और शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आफ्सपा, राइट, और वहाँ पे कुछ कस्टोडियल रेप्स के भी केसेस इमर्ज हुए थे, एंड शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, और शी वॉन्टेड गवर्नमेंट टू विदड्रू आफ्सपा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड स्पेशली मणिपुर, और उसके बाद शी वॉन्टेड कि कोई इम्यूनिटी नहीं देनी देनी जानी चाहिए टू द सोल्जर्स और द मिलिट्री, सो एस टू से, और ये इम्यूनिटी और ये जो आफ्सपा है ये विड्रॉ कर लेना चाहिए, राइट। तो शी वेंट टू एन हंगर स्ट्राइक और फास्ट, राइट, तो उनको क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ इन एक्शन, उन्होंने फूड खाना छोड़ दिया, तो वहाँ पे डायरेक्टली एक्सटर्नस इंटरवेंशन के थ्रू, राइट, शी वॉज फोर्स्ड फेड, शी वॉज
बेड रिडन फॉर अराउंड आई गेस 17 टू 18 ईयर्स शी डिड नॉट कंज्यूम एनी फूड बट शी वॉज फोर्स्ड फेड बाई द सिक्योरिटी फोर्सेज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ शी वॉज मेड टू सर्वाइव ठीक है नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ अ इन एक्शन दैट इज लीडिंग टू योर डेथ अल्टीमेटली राइट सेकेंड वेरी स्पेशल इंस्टेंस इज विड्रो रिफ्यूजल टू एग्जिट द बर्निंग बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ लेट से देर इज अ फायर इन अ बिल्डिंग एंड लेट से अ सर्टेन पर्सन इवन दो ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू सेव हिज ओन लाइफ राइट बट ही डिड नॉट टुक एनी एक्शन टू एग्जिट फ्रॉम द बिल्डिंग सो दैट इज अ सुसाइड Your inaction is leading to suicide. You will be burning yourself. You are not directly burning yourself. You are not directly lighting yourself on fire. There was a circumstance in which you are not taking any action to save your life, right? So that is a suicide as well. Because here desired result is achieved. Even though you could have saved your life, you could have run from the building, you could have exited the building, but still you are not doing that. इसके पीछे भी एक underlying cause रहा होगा उसका mental situation ऐसी रही होगी और this fire kind of created a perfect circumstance for him to take his life. He might have been contemplating about that. वो तो एक perfect circumstance बना दिया. So by not doing any action due to this inaction, it is leading to suicide. Now the final result is who strives to produce this result. Now this is very important. See what does it mean? It means ki the individual has full awareness. Right? The individual has full awareness. Right? And he is striving. Right? For the desired result. That is committing suicide or killing oneself. So he has every bit of awareness about the consequences of his action. Right. So these are the cases of suicide, right? And this is how he defined suicide. Now, इन्होंने क्यों define किया? See, for example, can we say drug overdose is a suicide? Right. So drug overdose is not a suicide. Drug, for example, certain teenagers they took drugs for recreational purposes. और वहाँ पे drug overdose हो गया and that led to their death. So this is an accidental death. यहां पे क्या है इंडिविजुअल्स आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द एक्शंस दैट दे आर मैनिफेस्टिंग राइट दे आर नॉट स्ट्राइविंग टू किल देमसेल्फ देयर पर्पस इज डिफरेंट सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सुसाइड एंड दैट इज व्हाई ही इज ट्राइंग टू डिफाइन सुसाइड बिकॉज सर्टेन केसेस विच माइट फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर एग्जाम्पल अ सर्टेन यंग पर्सन फॉर एग्जाम्पल हिज बैकड्रॉप वॉज ही वॉज सफरिंग फॉर मेंटल इलनेस Right. In order to overcome this mental illness, he was doing some kind of recreational activities. He was taking drugs, but he was not trying to kill himself. His action or intention was not to kill himself. Right. His intention was not to kill himself. Intention matters here. So, but accidentally there was a drug overdose and he killed himself. No, that is not a case of suicide, right? Because वहाँ पे intention नहीं है. He is not striving to kill himself. Now, what about chronic smokers or chronic drinkers? Can we call their action as suicide? No, right? Because here they do not want to kill himself. See, even a drinker who is doing is the very last stage of his life. He is so much addicted to alcohol that he is not able to quit that addiction, right? But he knows that it could kill him, right? But still he will be spending a lot of money. He will be going to hospitals to save himself, trying to do a transplantation of liver, so as to say, right? So this is this prolonged illness over a period of time in which he is consuming alcohol, right? But he does not want to die, so that cannot be called as suicide, right? So that is why he is defining suicide, and that is why every word is a keyword here in this, right? Intention, striving. Now, हमने देखा कि एक यहाँ पे मैंने graph plot किया है, right? This is one axis, this is another axis. So on this horizontal axis, I am plotting regulation. See, हमने पढ़ा था सुसिडोजेनिक फोर्सेस
दो टाइप्स के होते हैं, वन इज द सुसाइडोजेनिक फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन, अनदर इज द सुसाइडोजेनिक फोर्स ऑफ रेगुलेशन। और ये डिटरमाइन करता है कंबिनेशन इनका कि सुसाइड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। यही एक्ट करते हैं फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन रेगुलेशन ऑन द इंडिविजुअल्स ऑन द सोसाइटी, एंड दे आर पुशिंग दीज इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स कमिटिंग सुसाइड। तो डुर्खाइम क्या बोलते हैं, जब इंटीग्रेशन बहुत हाई होगा, राइट, एंड इंटीग्रेशन इज वेरी हाई हेयर, इट इज टू हाई, देन इट विल लीड टू ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। व्हेन इंटीग्रेशन इज टू लो, इट इज लीडिंग टू इगोइस्टिक सुसाइड। सिमिलरली यहां पे रेगुलेशन, व्हेन रेगुलेशन इज टू हाई, इट इज लीडिंग टू फेटलिस्टिक सुसाइड। एंड व्हेन रेगुलेशन, द फोर्स ऑफ रेगुलेशन और सुसाइडोजेनिक फोर्स ऑफ रेगुलेशन इज टू लो, दैट इज लीडिंग टू एनोमिक सुसाइड, राइट। हमने देखा भी था कि एनोमी इज नॉर्मलेसनेस, रूललेसनेस, नो रेगुलेशन व्हाटसोएवर, राइट। एंड द सोसाइटल स्ट्रक्चर्स और द सोशल रेगुलेटिव स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, दैट इज द स्टेट ऑफ एनोमी। सो हेयर इंटीग्रेशन इज टू लो, सो हेयर ऑल्सो सुसाइड्स विल बी मैनिफेस्टेड। नाउ इनका जो कंसर्न था डुर्खाइम का, वो था एनोमिक और इगोइस्टिक सुसाइड के साथ, राइट, इन दो सुसाइड के साथ था, बिकॉज यही फ्रांस में सबसे ज़्यादा उस टाइम पे कमिट की जा रही थी, राइट। तो वहाँ पे फ्रांस में उस टाइम पे ना तो इंटीग्रेशन हाई थी, राइट, इंटीग्रेशन इज टू लो एज वेल रेगुलेशन वॉज टू लो, सो पीपल वर कमिटिंग एनोमिक एंड इगोइस्टिक सुसाइड इन फ्रांस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम्स। तो इनका रेट काफ़ी हाई था, इनका मेन कंसर्न रहे था। रेगुलेशन बहुत हाई, तो उस टाइम पर रेगुलेशन ज़्यादा हाई नहीं था सोसाइटी का ऑन एन इंडिविजुअल, तो फेटलिस्टिक सुसाइड वहाँ पे ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए इसको इन्होंने फुट नोट में डाल दिया, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं। इंटीग्रेशन टू हाई होगा तो उससे क्या होगा, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं डुर्खाइम कि सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे, राइट, मॉडरेशन, मॉडरेशन हो, जस्ट लाइक बुद्धा बात करते हैं मिडल पाथ और बैलेंस की बात करते हैं, सो यहाँ पे भी क्या है, ये जो फोर्सेज हैं, दिस फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन, दे शुड बी बैलेंस्ड विद इन द सोसाइटी, राइट। एक मॉडरेटिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सुसाइड का रेट डिक्रीज करना है, इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द सुसाइड रेट, देन दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम एंड नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम, राइट। सो यू कैन नॉट रिड्यूस सुसाइड रेट थ्रू काउंसलिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। सो इट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, राइट, यू नीड टू ऑल्टर द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक। सी नाउ विल बी टेकिंग अ लुक इनटू एंड क्रिटिसाइजिंग, डुर्खाइम विल बी क्रिटिसाइजिंग और रिफ्यूटिंग द वेरियस अदर थियरीज दैट वर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन सुसाइड। वेरियस स्कॉलर्स वर टॉकिंग अबाउट सुसाइड, दे प्रोपाउंडेड वेरियस काइंड ऑफ थियरीज ऑन सुसाइड, राइट। सो डुर्खाइम विल बी रिजेक्टिंग और रिफ्यूटिंग ऑल दीज काइंड ऑफ थियरीज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट साइकोलॉजिकल। सी मेनली विल बी स्टडिंग मेन टू मेन थियरीज दैट ही rejected or refuted and gave much attention to was psychological theory, we have already studied about that, and the major challenge to his theory, social theory of society, was came from his intellectual rival or intellectual adversary who went by the name Gabriel Tarde, right. So these were intellectual opponents, right, there was an intellectual rivalry between Emile Durkheim and Gabriel Tarde. Now Gabriel Tarde promoted imitation theory of suicide, right. So Durkheim will be taking great pains, he will be doing hard work so as to reject this imitation theory of suicide, and plus he also rejected climatic, racial, genetic, hereditary, biological theory of suicide. There were various theories of suicide that were there, so we'll be dealing with all this in a very brief or concise manner, right. See, अब हम देखते हैं कि जब Durkheim suicide theory दे रहे थे तो existing जो theories थी suicide से related वो उनको रिफ्यूट करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको निगेट करेंगे। हमने बेसिकली विल बी डीलिंग विद टू मेन थियरीज। एक थियरी हमने साइकोलॉजिकल थियरी पढ़ चुके हैं, राइट, जिसमें बोलते हैं कि सुसाइड इट्स अ प्राइवेट पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट। आपका इंडिविजुअल की साइकी कैसी है, मेंटल यूनिवर्स क्या है, राइट, वेदर इज मेंटली रिजिलियंट और नॉट इन ऑर्डर टू फेस द वेरियस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, राइट, लाइफ हैज़ वेरियस फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, क्या उनको वो ढंग से फेस कर पाता है, वेदर ही इज मेंटली रिजिलियंट, राइट, उसका मेंटल यूनिवर्स क्या है, उसका साइकिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, राइट, इसको रिजेक्ट किया डुर्खाइम ने, राइट। और डुर्खाइम बोलते हैं कि सुसाइड इज नॉट
जस्ट एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट, रादर इट इज डिटरमाइंड बाय द सुसाइडोजेनिक फोर्सेज, राइट? इट इज अ सोशल फैक्ट एंड सुसाइड, दीज सोशल फैक्ट्स, दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड दे एक्सरसाइज अ कंस्ट्रेंट ऑन द इंडिविजुअल, दे पुश द इंडिविजुअल टूवर्ड्स सुसाइड, राइट? हमने ये पढ़ा था. नाउ द सेकेंड मेन थियरी, राइट, इस ये दो मेन थियरी पढ़ेंगे, एक साइकोलॉजिकल थियरी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट. नाउ दिस इज द सेकेंड मेन थियरी एंड ये काफ़ी मेजर चैलेंज थी, राइट, काफ़ी ग्रेट थ्रेट पोज कर रही थी टू डोर्खाइम्स थियरी ऑफ सुसाइड, राइट? प्लस दिस इज द इमिटेशन थियरी ऑफ सुसाइड एंड दिस वॉज प्रपाउंडेड बाय गैब्रियल टार्ड. सी, गैब्रियल टार्ड जो थे, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी एंड कंपिटिटर ऑफ डोर्खाइम. तो देर वॉज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल रेवलरी, राइट? बोथ ऑफ दीज पीपल और स्कॉलर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैड एंटागोनिस्टिक और ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, राइट? दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स, सो देर वॉज एन इंटेलेक्चुअल रेवलरी बिटवीन दैम. और जब वो इमिटेशन थियरी, जब वैन डोर्खाइम वॉज गिविंग हिज थियरी ऑफ सुसाइड, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, राइट, टू सेटल हिज स्कोर्स विद गैब्रियल टार्ड. And that's why he'll be rejecting his imitation theory of suicide. लेकिन imitation theory of suicide है क्या? See, Gabriel Tard बोलते हैं कि suicide is an act of imitation, right? वो बोलते हैं कि man basically क्या करता है? Copy करता है, mirror करता है या emulate और imitate करता है behavior of others, right? He says कि man is driven by herd mentality. तो everyone is copying the behavior of everyone else, right? तो ये जो भेड़ बकरी वाली जो मेंटेलिटी है, वो मैन के एक्शंस में और वो उसके बिहेवियर को शेप करती है, राइट? तो ही टॉक्स अबाउट हर्ड मेंटेलिटी और सोशल कंटेजियन, राइट? वो बोलते हैं कि सुसाइड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है और बाकी जो इंडिविजुअल है, ये जो सुसाइड, जो ये जो इमिटेशन है, इसको इमिटेट करते हैं इस एक्ट को, और ये लाइक कंटेजियन, राइट? इट इज लाइक अ सोशल कंटेजियन, राइट? इट इज लाइक अ सोशल पैंडेमिक, एपिडेमिक की तरह फैलती है, राइट? जैसे कोविड फैल रहा था, राइट? इट स्टार्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, देन इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, राइट? तो वो कंटेजियस था. ऐसे ही वो बोलते हैं कि ह्यूमन भी एक पर्टिकुलर, ह्यूमंस में भी क्या है, एक पर्टिकुलर हर्ड मेंटेलिटी रहती है. कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है और वे कंटेंजियन की तरह, राइट, ह्यूमंस में फैलती है, बिकॉज ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय हर्ड मेंटेलिटी. और वो जब एक हर्ड में भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं, दे कॉपी, इमिटेट और एमुलेट द बिहेवियर ऑफ ईच अदर. नाउ जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तो इट गोज बियॉन्ड कॉमन सेंस कि वाई वुड अ पर्सन बी कमिटिंग सच ए ग्रेव डेंजरस एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ जस्ट to imitate others, right? तो ये हमारी कॉमन सेंस के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है कि इतना ड्रास्टिक एक्शन मैन शुड नॉट बी टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इमिटेशन. लेकिन गैब्रियल टार्ड बोलते हैं कि अगर मैन के आप बेसिक नेचर को समझोगे, राइट, तो आपको पता चलेगा कि इट इज वेरी फिजिबल और इट इज हाउ मैन इज कमिटिंग सुसाइड. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जो आपको from with these examples, these real life examples, you would be able to connect with this theory, you would be able to appreciate and understand the theory of imitation that was being put forward by Gabriel Tard. Stadium waves. What are stadium waves? Stadium में जब कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है या फुटबॉल मैच चल रहा है, तो स्टेडियम वेव्स होते हैं, राइट? एक इंडिविजुअल स्टार्ट करता है, वो अपने हैंड को रेस करता है, तो बाकी जितने जो स्टेडियम में लोग बैठे हुए हैं, एक इंडिविजुअल के एक्शन से दे विल स्टार्ट raising their hands and it becomes like a wave, that is a stadium wave, right? So this is nothing but it is an act of imitation, it is an act of emulation, this is herd mentality, man is behaving in a herd kind of manner. Second, मैं आपको बोलता हूँ fashion and trending. कोई भी fashion और trending चलता है, it starts from somewhere, right? Contemporary trend man में क्या है कि beard, right? Beard grooming करना और हेयर को पर्टिकुलर वे में कट करना, इट्स अ ट्रेंड और हर कोई इसको फॉलो करने लग जाता है. पर्टिकुलर क्लॉथिंग सेंस और क्लॉथिंग स्टाइल एक स्टार्ट होता है और वो बाकी लोग फॉलो उसको करने लग जाते हैं, इमिटेट करने लग जाते हैं, इट बिकम्स अ ट्रेंड. सो इट इज एन एक्ट ऑफ इमिटेशन. आपको छोटी छोटी चीजों में इमिटेशन देखने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आपको इमिटेशन देखने को मिलती है, राइट? और
एक ट्रेंड स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल कच्चा बादाम, राइट, दिस सॉन्ग वेंट ऑन एंड एवरी वन स्टार्ट कॉपिंग दैट पर्टिकुलर मूव्स, राइट, सो इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, इट स्प्रेड लाइक अ कंटेजन थ्रू द इंटरनेट, सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। सोशल मीडिया में आप रेनबो प्रोफाइल पिक्चर्स का एक ट्रेंड सेट हुआ था, राइट, समवन स्टार्टेड विद दिस और इट बिकेम लाइक एवरी वन स्टार्ट कॉपिंग दिस एंड स्टार्ट पोस्टिंग दिस रेनबो पिक्चर्स एंड पीपल डिड नॉट नो इवन वाई आर देयर पोस्टिंग और पुटिंग अप दिस प्रोफाइल पिक्चर्स, right? So man is just copying, emulating the behavior of others, since others are doing his, he do not want to be left out of this social behavior of man, right? Mask and hair, right? I was traveling in a metro, right? Or metro se utarne ke baad I was eating something, right? To mask mera niche tha और सडनली आई पुट अप, उसके बाद आई मैंने अपना मास्क ऊपर कर लिया ना, अनदर पर्सन वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही सो दिस एक्ट ऑफ माइंड, राइट, जो मैंने अपना मास्क कवर किया और उसका मास्क भी नीचे था और उसने भी अपना मास्क ऊपर कर लिया, राइट, नो दिस वो क्या है, इमिटेट कर रहा है, राइट, और आपको देखने को मिलता है कभी एक आदमी छींकता है तो दूसरे को भी एक छींक आ जाती है, राइट, दिस इज एन एक्ट ऑफ इमिटेशन। अगर एक आदमी अपने बालों को ठीक कर रहा होता है, राइट, हेयर को सेट कर रहा होता है तो दूसरा भी इट इज एन काइंड ऑफ कि वो भी सेट करने लग जाता है, राइट, सो दिस इज हाउ मैन आर कॉपिंग और इमिटेटिंग द डे टू डे लाइफ में इट इज गोइंग एवरीवेयर, राइट, सो इट इज अ वेरी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, राइट, वी आर ड्रिवन बाय हर्ड मेंटेलिटी और एक सोशल कंटेंशन के थ्रू हम करते हैं। तो सिमिलरली डोरखाइम दिस गैब्रियल टार्ड स्कॉलर इज सेइंग दैट पीपल इन सिमिलर सिचुएशंस दे इवन इमिटेट द एक्ट ऑफ सुसाइड, राइट, और वो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि व्हेन अ सिटी इज अबाउट टू बी कैप्चर्ड बाय एनिमी फोर्सेज, व्हेन अ सिटी इज अबाउट टू बी कैप्चर्ड बाय एनिमी फोर्सेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी जब उन्होंने कैप्चर करने के स्टार्ट किया था तो पीपल कमिटेड जौहर, राइट, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, राइट, सो अ सिंगल पर्सन स्टार्टेड कमिटेड सुसाइड, राइट, यू नो, इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड बाय द एनिमी फोर्सेस, और ये क्या एक डोमिनो, एक चेन इफेक्ट, सोशल कंटेजन सेट करता है, डोमिनो की तरह जैसे आप एक चिप को गिराते हो तो एवरीथिंग स्टार्ट फॉलिंग डाउन, इट इज अ डोमिनो और चेन इफेक्ट, राइट, तो जौहर भी क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, इट इज एन एक्ट ऑफ इमिटेशन। और एग्जाम्पल देता हूं आपको कि कोई भी फेमस सेलिब्रिटी डाई करता है, राइट, और फेमस पर्सनैलिटी की डेथ होती है तो उसमें क्या है, गैब्रियल टार्ड और बाद में जो काफ़ी जो इमिटेशन थियरी को सपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं कि उसके आफ्टर मैथ में जो उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, राइट, अगर एक इंडिविजुअल स्टार्ट करता है या फिर उसको जो अप्रिशिएट करते हैं जो फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है तो देयर फॉलोवर्स, राइट, दे स्टार्ट कमिटिंग सुसाइड, राइट, और दिस इज एन एक्ट ऑफ हर्ड मेंटेलिटी ऑल ऑफ दिस फॉलोवर्स। और ये क्या है, ये फिनोमिना और ज्यादा इंक्रीज होता है जब उसकी डेथ को टेलीकास्ट किया जाता है टीवी पे या इंटरनेट पे या वेरियस मीडियम्स पे, राइट, सो इट रीचेज आउट मोर टू पीपल, और दिस इज व्हाट हैपेंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ, आप देखिएगा कि जब जयललिता एक्स सीएम ऑफ तमिलनाडु जब उनकी डेथ के बाद देर वॉज इंक्रीज इन सुसाइड रेट, राइट, उनके फॉलोअर्स दे स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड, राइट, और दिस इज एन एक्ट ऑफ इमिटेशन, एक ने किया था एवरी वन स्टार्ट डूइंग इट, राइट, सो ये ऐसे काम कर रहा है आपका। ना दिस थियोरी इट पॉजेज अ सीरियस चैलेंज टू डोरखाइम्स कंसेप्शन ऑफ सुसाइड, वाई इज इट पॉजिंग अ सीरियस चैलेंज, राइट, सी एक इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया तो एवरी वन इज स्टार्टिंग कॉपिंग एवरी वन एल्स बिहेवियर, राइट, तो यहां से कुछ कोई भी यहां से जो सोशल है, जो सोशल फिनोमिना है, इट इज एमिनेटिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल एक्ट, इंडिविजुअल के एक्ट से, एक इंडिविजुअल के एक्ट से क्या है, सोशल इमर्ज कर रहा है, और दिस कंप्लीटली गोज अगेंस्ट द डोरखाइम्स एंटायर सोशोलॉजी, बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स प्रेफरेंस ऑन द सोशल ओवर द इंडिविजुअल, राइट, इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वो बोलते हैं कि सोशल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते ही नहीं है, लेकिन यहां से जो सोशल है वो इमर्ज ही और एमिनेट ही कर रहा है इंडिविजुअल के एक्ट्स के, और जब ये इंडिविजुअल का एक्ट कॉपी होगा, कंटेजन की तरह फैलेगा, राइट, इट बिकम सोशल इन नेचर। नाउ दिस इज कंप्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट विद डोरखाइम सोशोलॉजी, राइट, इट इज कंप्लीटली इन रिवर्स और इट इज कंप्लीटली मिरर ऑपोजिट
when you compare Durkheim's sociology and Gabriel Tarte's theory, right? So it was a major challenge to Durkheim's conception of suicide, or Durkheim will be taking great pains to discredit this theory, right? To refute this theory, और उसके लिए वो he has his own arguments, और हम तीन main points देखते हैं जो Durkheim देते हैं when he was refuting this imitation theory of suicide. अब Durkheim बोलते हैं कि if social contagion would have been true, अगर social contagion true होता तो see Durkheim क्या करते हैं, जो suicide है और suicide rate है right, उसको उसकी geographical plotting करते हैं, उसको मैपिंग करते हैं, ज्योग्राफिकल मैपिंग और प्लॉटिंग करते हैं सुसाइड की राइट right? इस एरिया में ये इंडिविजुअल इन इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, तो यू विल गेट पीपल राइट अ स्मॉल डॉट्स ऑन मैप कि जहाँ पे सुसाइड हो रही है राइट. फॉर एग्जांपल इंडिया में फॉर एग्जांपल हायर सुसाइड रेट एकदम से तमिलनाडु में इंक्रीज हो गया आफ्टर ललिता डेथ, तो यू विल गेट स्मॉल स्मॉल डॉट्स ओवर देयर राइट. एक कंसंट्रेशन मिलेगी वहाँ पे सुसाइड रेट्स की, बहुत ज्योग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं. और वो बोलते हैं अगर ये ट्रू होता ये थ्योरी ट्रू होती तो एक हॉटस्पॉट होता पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ सुसाइड राइट. एक इंडिविजुअल कमिट कर रहा है सुसाइड, तो यहां से क्या है इसके आसपास वाले क्या है इसको इमिटेट करेंगे, तो ये हॉटस्पॉट बनता जहां सुसाइड रेट काफी हाई रहता राइट. और ग्रेजुअली जैसे कंटेजियन जैसे जैसे आउटवर्ड ये एमिनेट करेगा कंटेजियन राइट, ये इमिटेशन एक्ट ऑफ सुसाइड आउटवर्ड एमिनेट करेगा, तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी राइट. जस्ट लाइक कोविड, तो उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली बाहर जाते जाते डिक्रीज होनी चाहिए राइट. अगर ऐसा ट्रू है इस सोशल कंटेजियन वुड एडमिट ट्रू, देन देयर शुड बी अ हॉटस्पॉट और पॉइंट ऑफ ओरिजिन वेयर सुसाइड रेट इज हाई. और जब ये कंटेजियन बाहर की तरफ एमिनेट करेगा व्हेन इट वुड डिफ्यूज आउटवर्ड्स that intensity of suicide rate gradually should be reducing right. ये बाहर की तरफ जो intensity है suicide rate की gradually it should be reducing right, it should be reducing specially in an outward manner. Now Durkheim इसको क्या है बोलते हैं कि जब Durkheim geographical plotting और mapping करते हैं then he comes to a conclusion right. वो बोलते हैं कि जहां पे suicide rate जहां से emanate हुआ था तो ये देखा गया कि इसके जो पास वाला रीजन्स हैं काफी मैपिंग प्लॉटिंग की तो वहां पे बड़ा कंट्रास्टिंग सुसाइड रेट मिला है राइट. यहां पे एकदम से हाई मिलेगा और एकदम से लो हो जाएगा, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो कि ग्रेजुअली इंटेंसिटी उसकी आउटवर्डली रिड्यूस करेगी डिफ्यूज करेगा आउटवर्ड्स और रिड्यूस करेगी ग्रेजुअली कंटेजियन जैसे जैसे कम होता जाएगा वो तो यहां पे फॉलो ही नहीं हो रहा. आप पर्टिकुलरली हायर एरियाज ऑफ सुसाइड रेट देख रहे हो और उनके साथ एकदम से लोअर एरियाज ऑफ सुसाइड रेट देख रहे हो, बल्कि ये कॉन्ट्रास्टिंग है, यहाँ बहुत हाई है और ये वहाँ बहुत लो है, तो आप उसको दो कलर से हम रिप्रेजेंट करते हो. फॉर एग्जांपल इसको ब्लैक में रिप्रेजेंट करते हो हायर सुसाइड रेट को, तो आप उसको सामने क्या है वाइट में क्या है स्पॉट्स दिखेंगे राइट जहाँ पे सुसाइड रेट पर्टिकुलरली लोअर है. तो ये उनका क्रिटिसिज्म है. नेक्स्ट टू अ गिवन रीजन वेयर सुसाइड रेट इज पर्टिकुलरली हाई appear other regions where suicide rates are particularly lower. So there is a kind of contrast or this trend is not being followed. So somehow this theory is not correct, right? Second, वो बोलते हैं, second contention उनका ये है, अगर ये theory true होती, then nations having borders, right? जो nations having border with the country having higher suicide rate. अगर एक country का higher suicide rate है, तो इसके जो border, इसके जो एडजस्टेंट कंट्रीज जो लग रही है उनका सुसाइड रेट अगर यहां से एमिनेट करेगा तो इनका सुसाइड रेट भी हाई होना चाहिए राइट. देन ही सेज नेशंस हैविंग बॉर्डर्स विद द कंट्री हैविंग हायर सुसाइड रेट मस्ट हैव हायर सुसाइड रेट. लेकिन वो बोलते हैं इंपीरिकल डेटा जो वो कलेक्ट करते हैं राइट, उन्होंने इतने सारे केसेस कलेक्ट किए और काफी केस स्टडीज की इंपीरिकल रिसर्च की, देन ही सेज इंपीरिकल डेटा शो सच नो सच कोरिलेशन, ऐसा कोरिलेशन इमर्ज होके ही नहीं आता, देन दिस समहाउ दिस थ्योरी इज नॉट ट्रू. थर्ड उनका जो कंटेंशन है और थर्ड उनका जो क्रिटिसिज्म है, सी ये जो हमने देखे क्रिटिसिज्म दीज आर ऑल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो उन्होंने अपने रिसर्च के थ्रू उनको डिसप्रूव करने की कोशिश की है. एक थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म वो देते हैं. Durkheim बोलते हैं कि इमिटेशन इज एन एक्ट ऑफ मिररिंग अदर पर्सन विदाउट गिविंग मच थॉट ऑफ डिलिबरेशन राइट. जब स्टेडियम वेव स्टार्ट हो रही है, व्हेन समवन इज सेटिंग इज और हर हेयर इन रिस्पॉन्स और कॉपिंग और एम्युलेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर राइट बिहेवियर अदर्स एक्ट, तो जो पर्सन एमुलेट कर रहा है इमिटेट कर रहा है मिरर कर रहा है उसको ज्यादा थॉट और डिलिबरेशन नहीं दे रहा, इट इज अ समवट काइंड ऑफ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स राइट. तो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स में ज्यादा क्या है माइंड और थॉट उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है, माइंड जो इंसान है ऑटोमेटिकली क्या है
उस दूसरे बिहेवियर को क्या है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिवली विदाउट इन अ रिफ्लेक्स मैनर राइट विदाउट गिविंग मच थॉट और डिलिब्रेशन उनको कॉपी कर रहा है। हार्ड मेंटेलिटी में ऐसे ही होता है, अगर थॉट और डिलिब्रेशन आ जाए थिंकिंग प्रोसेस हो जाए तो मैन विल स्टॉप ब्लाइंडली कॉपिंग और इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स राइट। लेकिन वो बोलते हैं कि जो सोशल है, जो ये बोल रहे हैं कि सोशल ही इमर्ज कर रहा है इंडिविजुअलिस्टिक एक्ट से कंटेजन के थ्रू राइट हर्ड मेंटेलिटी के थ्रू, सो सोशल इज इमर्जिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल, दिस इज व्हाट गैब्रियल टार्ड इज सेइंग। तो वो बोल रहे हैं सोशल इज नॉट एन इमिटेशन एक्ट। अगर आप बोलोगे कि फैशन एक बंदे से स्टार्ट हुआ, एवरी वन इज कॉपिंग दिस फैशन, तो बोलते नो, फैशन इज अ काइंड ऑफ अ सोशल इंपेरेटिव। अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी वियर्स द क्लोथ्स राइट दैट आर बींग एक्सेप्टेड बाय दैट सोसाइटीज राइट। जो सोसाइटी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फैशन रहता है सोसाइटी में, पर्टिकुलर काइंड ऑफ किस टाइप के क्लोथ पहनने चाहिए, इट इज शेप्ड बाय और इट इज डिफाइंड बाय और इट इज डिटरमाइंड बाय कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी राइट। सो अगर आप पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हो देन ये एक सोशल इंपेरेटिव है, ये सोशल डिमांड है, ये सोशल कंस्ट्रेंट है राइट। जस्ट लाइक अ सोशल फैक्ट कंस्ट्रेंट करता है आपके बिहेवियर पे कि यू शुड बी फॉलोइंग द डिमांड्स ऑफ दैट सोसाइटी। तो उस सोसाइटी में किस टाइप के कपड़े पहनने हैं राइट, किस टाइप की अपीयरेंस होनी चाहिए, दैट इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। अ मैन by virtue of living in that particular society he has to be emulating the behavior jo ki society set karti hai, he should be manifesting appropriate behavior right, he should be manifesting socially acceptable behavior। to usme kya hai ki this fashion is not an act of imitation, rather it is a social imperative, it is what the society is demanding। second wo bolte hai fusion of consciousness। जब बोल रहे हैं कि एवरीवन इज कॉपिंग एवरीवन्स एक्ट, वो बोलते हैं नो, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, जहां पे कॉमन कलेक्टिव कॉन्शियस है, जहां पे जो कॉन्शियसनेस है वो फ्यूज हो गई है सोशल की, और दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्शियसनेस राइट। वी स्टडीड अबाउट इट, सो दिस वॉज अ मेजर क्रिटिसिज्म जो कि डुर्खाइम देते हैं आपका इमिटेशन थियरी ऑफ गैब्रियल टार्ड राइट। अब हम दो तीन थियरीज के खाली एक माइनर पॉइंट्स वन पॉइंटर पढ़ते हैं और वी विल बी डन विद दिस टॉपिक राइट, विद दिस रेफ्यूटेशन ऑफ थियरीज राइट। सी देयर आर टू और थ्री मेन कंटेंशन और थियरीज ऑफ सुसाइड विच डुर्खाइम रिजेक्टेड, हम उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे राइट, ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन सी थियरीज हैं। सी वन थियरी वॉज क्लाइमेटिक थियरी राइट। ये थियरी क्या बोलती है कि सी देयर आर टू टाइप ऑफ व्यू पॉइंट्स इन दिस थियरी। एक व्यू पॉइंट ये है कि जब विंटर और कोल्डर क्लाइमेट्स आते हैं राइट, तो उसमें हमारी एक्टिविटी क्या है काफ़ी कम हो जाती है राइट, विंटर्स में हम स्लो डाउन, देर इज स्लो डाउन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज और काफ़ी इनएक्टिविटी आ जाती है। तो इन विंटर्स देर इज अ स्टेट ऑफ मेलंकली डलनेस लोनलीनेस और डिप्रेशन सेट्स इन राइट। समर में लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, और डुर्खाइम इसको रिजेक्ट करते हैं, इन क्लेम्स को बोलते हैं वो सी ही इज वो मंथ वाइज डेटा कंप्यूट करते हैं सुसाइड का, और वो बोलते हैं कि नो सच जनरलाइजेशन इज देयर राइट। हम ऐसा कुछ इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते जब हम मंथ वाइज डेटा देखते हैं और देखते हैं कि कोल्डर टेम्परेचर्स में और कोल्डर क्लाइमेट्स में या फिर कोल्ड सीजन में क्या है सुसाइड रेट जनरली क्या है, बम्प नहीं करता है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये जो डेटा है एम्पिरिकल रिसर्च है इन क्लेम्स को रिफ्यूट करता है। देयर इज वन अनदर व्यू पॉइंट ऑफ दिस क्लाइमेटिक थ्योरी, वो बोलते हैं कि जब आपका ऑटम और स्प्रिंग सीजन, जब सीजनल चेंज आता है राइट, जब विंटर से ट्रांजिशन हो रहा होता है समर की तरफ, तो अल्टीमेटली क्या है इस दौरान सुसाइड रेट होता है, तो इसको भी रिजेक्ट करते हैं डुर्खाइम। सेकेंड इज हेरिडिटरी थ्योरी, तो वो बोलते हैं कि दिस इज द मेनली बायोलॉजिकल थ्योरी राइट। वो बोलते हैं कि देर आर सम जेनेटिक फॉर्मुलेशंस, ये थ्योरी बोलती है, या फिर पर्टिकुलर जेनोमिक कोड्स राइट। कुछ इंसान में पर्टिकुलर टाइप के जीन्स रहते हैं और जीन्स पर्टिकुलर वे में अरेंज रहते हैं, जो जेनोमिक कोड जो अराइज होता है, कुछ इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोन टू सुसाइड ड्यू टू दिस इनबिल्ट जेनेटिक्स राइट। इनबिल्ट जेनेटिक्स उनका क्या है, वो बोलते हैं कि अल्टीमेटली बिहेवियर ऑफ मैन इज ड्रिवन बाय द इंटरनल बायोलॉजी, दिस जेनेटिक्स शेप द बिहेवियर ऑफ द मैन राइट। तो सम जीन्स आर सच कि दे क्रिएट अ काइंड ऑफ ह्यूमन विच आर मोर प्रोन टू लोनलीनेस डिप्रेशन एंड देयर बाय दे विल कमिट सुसाइड। तो
इसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि कुछ फैमिलीज में देयर आर रिपीटेड केसेज ऑफ सुसाइड इन सम फैमिली अक्रॉस जनरेशन, इन सम फैमिलीज देयर आर रिपीटेड केसेज ऑफ सुसाइड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राइट? सो दिस इज सो दीज एग्जाम्पल्स दे कोरोबरेट दिस हेरिडेटरी कि सुसाइड इज समवट ड्रिवन बाय जेनेटिक फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशन ऑफ मैन, राइट? एंड दिस जीन्स आर पास्ड इन हेरिडेटरी मैनर अक्रॉस जनरेशन एंड दैट इज वाई इन विद इन द फैमिली यू सी देर इज सर्टिन recurrent cases of suicide within a particular family across generations. Durkheim इन claims को भी reject करते हैं और उनका same यही रहेगा, सिर्फ उनका ultimate इसमें क्या direct detail में नहीं जाते हैं. Main उनका contention यही होगा कि research ऐसा जो research की जा रही है और जो empirical data है ऐसा कोई भी क्लेम्स को बैक नहीं करता कि पर्टिकुलर हेरिडिटी और हेरिडिटरी आर द और बायोलॉजी और इनबिल्ट जेनेटिक्स आर द मेन कॉजेज ऑफ सुसाइड, राइट? बाद में ऐसे स्कॉलर्स आएंगे जो इसी को डेवलप करेंगे जेनेटिक थ्योरीज को और फर्दर क्या डुर्खाइम का ही क्रिटिसिज्म देंगे, राइट? देयर विल बी सम लेटर थ्योरीज और कंटेम्पलेशंस ऑन सुसाइड. थर्ड इज एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन. ये माना जाता था कि जो एल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट्स हैं दे विल बी कमिटिंग सुसाइड मोर, राइट? दिस वाज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स और वन ऑफ द थ्योरेटिकल परसेप्शंस दैट वाज देयर रिलेटेड टू द सुसाइड. तो डुर्खाइम क्या कंप्यूट करते हैं, सी ही कंप्यूट्स रेट ऑफ एल्कोहलिज्म इन जनरल, राइट? कितने एल्कोहलिक्स हैं डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, राइट? तो आपको एक रेट मिल जाएगा एल्कोहलिज्म का. सिमिलरली वो और वो बोलते हैं एंड ही कंपेयर सुसाइड रेट अमंग एल्कोहलिक्स विज़िबली नॉन एल्कोहलिक्स, राइट? अब वो सुसाइड रेट देखते हैं कि अगर एल्कोहलिक्स में सुसाइड रेट ज़्यादा है, राइट? तो ये जो रेट है कंपैरिजन में आप ये देखोगे कि जो सुसाइड रेट ऑफ एल्कोहलिक्स विज़िबली टोटल पॉपुलेशन ये ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉन एल्कोहलिक सुसाइड रेट विज़िबली टोटल पॉपुलेशन, राइट? लेकिन वो बोलते हैं ऐसा सच कंक्लूजन डेटा से इमर्ज होके ही नहीं आता, राइट? तो एम्पिरिकल डेटा एम्पिरिकल रिसर्च इन क्लेम्स को बैक नहीं करते, इन जनरलाइजेशंस को बैक नहीं कर रहे, राइट? द लास्ट थ्योरी इज रेशियल थ्योरी. रेशियल थ्योरी ये बोलती है कि सर्टेन रेसेस आर मोर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली मोर डिस्पोज प्री डिस्पोजिशन होता है उनका टूवर्ड्स दे आर मोर प्री डिस्पोज और मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द सुसाइड. सर्टेन रेसेस आर बी कंडक्टिंग आर मोर वल्नरेबल टू सुसाइड, राइट? तो इसको भी रिजेक्ट करते हैं और सेम यही आर्गूमेंट देते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च डेटा इनको बैक नहीं करता, राइट? सी इसको हम वैसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कंटेंशन मानी गई कि फॉर एग्जाम्पल ब्लैक्स आर मोर प्रोन टू सुसाइड, लेकिन आप उस टाइम पे देखे हो गए तो ब्लैक्स का डिस्क्रिमिनेशन इतना होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतना था, राइट? जो सोशल स्ट्रक्चर था वो अगेंस्ट था एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक्स इन जनरल, राइट? बिकॉज दे उनका ऑपरेशन काफ़ी उस टाइम पे होता था, राइट? एक्सप्लोटेशन काफ़ी होता था और अंडर दिस ऑपरेशन और अंडर दिस कंडीशन ऑफ द सोशल, राइट? हमने देखा कि ये सुसाइड सुसाइडोजेनिक फोर्सेस बनते हैं और ये पुश करते हैं इंडिविजुअल को टुवर्ड सुसाइड. तो यहाँ पे मोर एंड मोर ब्लैक्स विल बी कमिटिंग फेटलिस्टिक सुसाइड, राइट? सो इट इज समहाउ डिटरमाइंड बाय योर सोशियोलॉजी एंड नॉट बाय बायोलॉजी, राइट? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि सम फैमिलीज में क्या दे आर रिपीटेड केसेस ऑफ सुसाइड, लेकिन क्या है दिस इज आप क्या एक्सेप्शन को लेके उसको रूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? एक्सेप्शन को लेके आप उसको रूल बनाने की कोशिश कर रहे हो. अगर कुछ फैमिलीज है जिसमें रिपीटेड केसेस ऑफ सुसाइड है, लेकिन देर आर सम फैमिलीज आर देयर एज वेल जिसमें रिपीटेड केसेस ऑफ सुसाइड नहीं, एक ही मेंबर ने किया सुसाइड, राइट? और इवन दीज केसेस विल बी हायर, राइट? ऐसे तो काफ़ी लिमिटेड केसेस होंगे जिसमें सुसाइड रेट पर्टिकुलर फैमिलीज के अलोंग ही होगा, बल्कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स ज़्यादातर इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे कि ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा. तो हम एक्सेप्शन को ही रूल मान के चल रहे हैं, राइट? एंड दिस हैपन्स वन पीपल आप इसको कंपेयर कर सकते हो जब आप प्रीलिम्स दे रहे होते हो तो जब 50-50 जब चॉइस आती है तो लोग अगर उसको गलत कर देते हैं तो एक जनरल परसेप्शन ये बन जाता है कि 50-50 जो चॉइस वाला होता है उसमें मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे आंसर्स गलत रहते हैं. लेकिन जब इंसान आंसर को ठीक करता है तो उसका फोकस वहाँ जाता नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ था 50-50 चॉइस में. ज़्यादातर नेगेटिव उस पर ज़्यादा ध्यान जा रहा होता है, राइट? नेगेटिव केसेस पे ज़्यादा ध्यान जा रहा होता है, राइट? बिकॉज दे स्टैंड आउट. इट इज़ ड्यू टू दिस मैन इज ड्रिवन बाय फियर, राइट? इट इज़ ड्यू टू दिस दे आर वुड नॉट बी एबल टू सिक्योर सिलेक्शन, राइट? तो जो पॉजिटिव केसेस है वो
दब जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली दीज आर द सम ऑफ द थ्योरीज दैट डुर्खाइम रिफ्यूटेड, राइट।